नमस्कार, मैं मानसी धामने और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट जनादेश आपकी आवाज। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ मुख्य खबरों की ओर। झूलेलाल मंदिर के नवनिर्माण में जो रुकावटें आई, साई ओमीराम जी ने और ओमी कलानी जी ने एक मीटिंग लेकर इस रुकावट को सुलझाया। जल्दी ही झूलेलाल मंदिर का नवनिर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इसी मौके पर वही के परिसर के रहवासियों ने ओमी कलानी जी का सत्कार भी किया। झूलेलाल साई हमारे इष्ट देव हैं। मैं कभी भी किसी भी, ये तो हमारे झूलेलाल साई का मंदिर है, किसी भी मंदिर के इशू पे या किसी भी चीज़ पे मैं मंदिर के अगेंस्ट नहीं था और मैं ये हर इंटरव्यू में स्पष्ट कर चुका हूँ। मेरे इश्यूज दो थे कि एक, जो पीछे 400 फैमिलीज रह रहे हैं और उनका जो रास्ता बंद किया गया, तो मेरा इशू ये था कि भाई वो रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। पिछले 65 साल से वो रोड बना हुआ है और समझो अगर ट्रस्ट की जगह है वो, तो उसका एक प्रॉपर लीगल तरीका होता है कि सिटी सर्वे डिपार्टमेंट है, सर्वे करा के लीगली प्लान अप्रूवल करा के और वो कराना चाहिए। वो नहीं करा के किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्वॉल्व करके और दादागिरी करके अगर करेंगे तो वो मैं होने नहीं दूंगा और मैंने नहीं होने दिया वो। मेरा दूसरा मुद्दा ये था कि भाई ये हमारा मंदिर है, ट्रस्ट है। हमारे मंदिर के मामले में पॉलिटिशियंस का क्यों रोल होना चाहिए? हो ऐसे रहा था कि मेरा नाम उछाला जा रहा था कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज आके मेरा नाम बदनाम करते रह रहे थे कि भाई मैं मंदिर के खिलाफ हूँ, मैं मंदिर के खिलाफ हूँ। मैं कभी भी मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही कभी होऊंगा। इससे पहले भी जिस वक्त गौशाला बनाना था, इसी मंदिर की बात बता रहा हूँ, हमारे झूलेलाल मंदिर की बात बता रहा हूँ, जब गौशाला बनाना था उस वक्त उनको कुछ अड़चन आ रहा था, उस वक्त भी मैं ही आगे गया था और मैं दो दिन वहाँ कुर्सी लगा के बैठा था और मैंने ये गौशाला बनवा के दिया था। तो मेरे दो ही प्रॉब्लम थे, एक पीछे एरिया वालों को उनका प्रॉपर जगह मिले, अगर ये रोड नहीं तो कोई अल्टरनेट रोड मिले, दूसरा ये कि भाई मंदिर के मामले में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। सब पार्टीज आके अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे, सब लोगों को ये लग रहा था कि हमको क्रेडिट लेना चाहिए, हमको क्रेडिट लेना चाहिए। क्रेडिट लें मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्रेडिट लेने का जो तरीका था वो गलत था। और अगर कोई भी ये सोचे कि हम पे दादागिरी करके और अगर वो हमारे खिलाफ कोई बात करेंगे, लोग कोई बात कर रहे थे कि बाप जेल में बेटे को जेल में डालेंगे, कोई बोल रहा था कि हम हाथ जोड़ना नहीं हाथ तोड़ना जानते हैं, तो हमारे मंदिर के मामले में अगर इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी जाके वर्ड्स यूज़ करें, इस तरीके का भाषा यूज़ करें, तो मुझे दिखाना पड़ा कि भाई मैं भी कम नहीं हूँ। मैं पप्पू कलानी का बेटा हूँ, कोई हाथ काटना दूर की बात हो गई, कोई हाथ छूकर दिखाए तो मैं उसको दिखाऊं कि उसको वो खुद कहाँ पहुँचेगा। मैंने इस चीज़ पे मेरा आक्रोश था कि अगर मंदिर का मामला है तो हम लोग वो बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो एरिया के लोगों का मामला है हम बिठा के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी कोई आके अगर मेरे नाम पर बोलेगा कि दादागिरी करेगा मुझसे, तो वो मैं सहन करूँगा नहीं। और मैंने उनको दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब रहा सवाल जो हम लोगों का, जो भी मंदिर के ट्रस्ट वालों का और जो एरिया के लोगों का जो सेटलमेंट हुआ है, मुझे वसंत शाह दरबार के साईं ओमीराम जी का फ़ोन आया कल के दिन और मुझे उन्होंने दरबार पे आने का आदेश किया। मैं गया वहाँ पे तो मुझे उन्होंने बोला कि ये जो मंदिर का मामला है वो आपको सेटल करना पड़ेगा। तो मैंने हाथ जोड़ के बोला कि साईं आपका जो आदेश रहेगा वो पालन किया जाएगा। उनके आदेश अनुसार आज मैं झूलेलाल मंदिर में गया, ट्रस्टीज़ का और जो इफेक्टेड लोग थे उनका मीटिंग बुलाया। और वो मीटिंग में नॉन पॉलिटिकल मीटिंग था, वो प्योरली नॉन पॉलिटिकल मीटिंग में दोनों को बुला के दोनों को सुना गया, दोनों की तकलीफें सुनी गई, उसका वे आउट निकाल के और हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई कल से वो एरिया के लोग जो लोग अफेक्टेड लोग हैं वो लोग भी आके यहाँ पे कुंड का काम चालू कराएंगे जहाँ पे हम हमारा ये परवान करते हैं।
तो आज वो पूरा हम लोगों का फाइनल हो चुका है और 16 तारीख से चालिया साहब चालू होने जा रहा है। बहुत टाइम लेट हो चुका है, हम लोगों का भी पूरा कोशिश ये होगा कि चालिया साहब के पहले हम वो पूरा एरिया क्लीन करा के और जिस के जैसे हमारे सब सिंधी भाई बहन वहाँ पे आके अच्छे से दर्शन कर सकें। लाल साईं दया सां जेके असां जा ऐं परिवारनि जा मन मिटाव हा, जंहिं ॻाल्हि ते ऑब्जेक्शन उहे सभु पूरा थिया ऐं चालीह साहिब जो मेलो आहे जीअं सुख सां ऐं अॻे खां अॻिरो थी वियो मेलो लॻे। आयो लाल कयो झूलेलाल। मां वरी चवंदुमि शुक्रिया अदा कंदुमि ट्रस्टनि जा बि ॿ पेर अॻियां सुरी करे हिननि जेको पारिवारनि सां असां सभिनीनि सां सहकार कयो आहे, सभिनीनि ट्रस्टनि जो तहे दिल धन्यवाद। गॾो गॾु असांजे भाउ शेरदिल जंहिं ओमी कालाणीअ खे पंहिंजे पिता साहिबनि जे नक्शे क़दमनि ते हलंदे ॿिन्हिनि धुरनि खे साम्हूं विहारियो। कोई मन मुटाव नंढड़ी ॻाल्हि कुझु बि वधवधार न हुयो, ॻाल्हि थी वई झूलण जो मेलो मथां ॾिसंदो अची करे 16 जुलाई ते भाऊ परसराम साहिब जे हिन प्राचीन मंदर में अची नचूं टपूं खेॾूं ॻायूं ऐं वरी हिकु जहिड़ा थी करे मौज मचायूं। आयो लाल कयो झूलेलाल। बोलो भाऊ परसराम साहिबनि की जय। उल्लासनगर 3 स्थित ईगल होटल में 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां उल्लासनगर 1, 2, 3 के सभी पदाधिकारी और टीम ओमी कलानी भी इस मीटिंग में उपस्थित थे। आज उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई गई थी, जहां पे उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के 100 दिन पूरे हुए, उस खुशी में आज यहां पे मीटिंग बुलाई गई थी और यहां पे यूटीए की क्या उपलब्धियां हैं या और यहां पे जो प्रेसिडेंट हैं उनको अपने एसोसिएशन में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको सॉल्व करने का पूरा आश्वासन दिया गया और कुछ प्रॉब्लम तो यहाँ पर ही बैठ के सॉल्व किए गए। आज मेन मुद्दा यही था कि हम लोग यूटीए को 1, 2, 3 नंबर पे लेके आए हैं, अभी और 4, 5 नंबर में हम लोग उसको कल से तैयारी करेंगे, कैसे उसको आगे बढ़ाना है उसकी पूरी प्लानिंग की गई। हम लोगों को पुरानी एसोसिएशन थी, ज़रूर उसकी रिजल्ट नहीं होगी, इसके लिए ही हम लोगों ने ये अपनी नई एसोसिएशन बनाई है और उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हम लोग का वो मुद्दा नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग का वो मुद्दा। यूटीए आज जैसे 100 दिन पूरे हुए और 100 दिनों में जो आज रिजल्ट मिली है, शायद ही ऐसी जो भी जितनी भी संस्था बनी होगी या जितनी भी एसोसिएशन बनी होगी, मैं समझता हूँ यूटी के आगे 100 दिनों के अंदर जो रिजल्ट मिली है वो काफ़ी अच्छी रिजल्ट है। काफ़ी उम्र से काफ़ी बातें थी जो शहर के अंदर नेगेटिव्स चल रही थी, आज हमारे युवा नेता ओमी कालानी जी ने जो झूलेलाल मंदिर का जो आज गुड न्यूज़ दी, मैं समझता हूँ इसके आगे कोई न्यूज़ ही नहीं है। यूटीए तो अपना काम कर ही रही है और वो तो आप सबको पता ही है और आज जो काम हुआ है, मैं चाहूँगा कि ये हमारे युवा नेता ओमी कालानी जी, हमारे प्रेसिडेंट सुमित चक्रवर्ती जी और हमारे यूटीए की ग्रुप और जो पूरी की पूरी एनसीपी की ताकत लगा के जो काम हुआ है आज, मैं समझता हूँ इसके आगे कोई खुशी नहीं है। उल्लासनगर 1 स्थित रोटरी मिडटाउन पार्क में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन द्वारा मेंबर्स का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, आइए देखते हैं। इन वक्त असां मौजूद आहियूं उल्लासनगर 1 गोल मैदान स्थित मिडटाउन रोटरी पार्क में, जिते सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन तरफा मेंबर्स जे जन्मदिन उत्सव कार्यक्रम जो आयोजन कयो वियो। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि हिन संस्था जा पदाधिकारी, असां उन्हनि खां पुछणु चाहींदासीं अॼु जे हिन प्रोग्राम में घणनि मेंबरनि जो जन्मदिन मल्हायो वियो? 70 माण्हुनि जो मेंबरनि जो जन्मदिन मल्हायो वियो ऐं हमेशह टीटी महीने असांजो हीउ प्रोग्राम थींदो रहंदो आहे ऐं सभिनी जो जेके असां 200 रुपया अञा वठंदा आहियूं सॼे साल जी कंदा आहियूं, उन में असां सभु कुझु हुन खे ॾींदा आहियूं, 450 असां हुनजो माल थी वेंदो आहे ऐं ख़ुशीअ सां माण्हू ईंदा आहिनि। काफ़ी ॿुढा आहिनि हिन करे शायदि घणा माण्हू नथा अचनि, छो छाकाणि त कंहिंजी एज काफ़ी वधी आहे, हली न सघनि, इन करे तकलीफ़ थींदी आहे। बाक़ी असां सभिनी जो ख़ुशीअ सां मल्हाईंदा आहियूं। असां हर टीटी महीने बर्थडे मल्हाईंदा आहियूं ऐं मेंबरनि खे कॾहिं कॾहिं ॿाहिरि घुमाइण बि वठी वेंदा आहियूं ऐं ॿियो असां हिन लिख पढ़ बि कंदा आहियूं सरकारी ऑफिसनि में, त भई हिननि खे भई हाणे जीअं त इहा प्राइम मिनिस्टर जी योजना थी पेंशन योजना, त के माण्हू आहिनि बैंक वारा के एतिरा आहिनि जो उन्हनि खे काई बि लेटर नथा ॾियनि न को पासबुक था ॾियनि,
इन लाइ मां खास करे बैंकुनि सां लिख पर भी कई आहे त भई इनखे कुझु ॾियो, लिखत में ॾियो त तव्हां पेंशन जो चालू थी आहे त उन्हनि जो लेटर कुझु ॾियो उन्हनि खे, ऐं ॿियो जेको LIC बि चालू कई आहे प्राइम मिनिस्टर, उन लाइ बि उनखे कुझु पॉलिसी ॾियो जीअं उनखे ख़बर पए, इहा बि असां लिख पर रखंदा आहियूं। अॼु जेका इहा सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन जी जेका इहा जनमदिन उत्सव जी मीटिंग रखी वई, उन्हनि में नवां जेके पदाधिकारी चूंडी जी विया, मां उन्हनि खे शुक्रगुज़ारी ऐं वाधायूं थो ॾियां त असां मीडिया वारनि खे दादा सीचंद साबलाणी पत्रकार लीडर ऐं मूं भरत भगत खे बि असांखे घुरायो अथऊं त असां जनादेश जा बि शुक्रगुज़ार आहियूं जेके हीअ असांजी टीम अची हिननि बुज़ुर्गनि जी आसीस वठी हिननि जा जनमदिन ॾेखारींदा, मां उन लाइ तहदिल सां शुक्रगुज़ार आहियां। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आयो लाल सभई चओ। उल्लासनगर के सभी 5 रोटरी क्लब्स ने मिलकर रेलवे ब्यूटिफिकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया, आइए देखते हैं। और 1 जुलाई से मुहिम के सारे रेलवे स्टेशन उल्लासनगर, अंबरनाथ, कल्याण, बदलापुर, ठाणे, नवी मुंबई और डोंबिवली, इन सब स्टेशन्स पे हम लोग क्लीन कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, उसको पेंट कर रहे हैं, ब्यूटीफाई कर रहे हैं, डस्टबिन दे रहे हैं और भी करेंगे, स्ट्रेचर्स और व्हील चेयर्स भी देंगे। हमारे इधर के लाखों लोग रोज जाते हैं, ट्रेन से आते हैं और बहुत सी परेशानी का सामना रोज बरोज करते हैं, उनके लिए थोड़ी सुविधा करें, थोड़ा उनका जीना और आसान करें तो ये बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम कार्यरत हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को इधर आने पर सुविधा हो, थोड़ा अच्छा दिखे, अच्छा लगे, क्लीन लगे। इधर डस्टबिन है, कचरा फेंकना है तो उसमें फेंक सकते हैं और भी हम सुविधा करेंगे कि किसी को बीमारी है, तकलीफ़ है तो उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, स्टेशन का बंदोबस्त, हॉस्पिटल में ले जाने की सुविधा, ये सारी चीज़ एक स्टेज वाइज हम लोग करेंगे तो आप सबका सहकार है। मैं चाहूँगा ये सिर्फ हमारा काम नहीं, रोटरी क्लब का काम नहीं, रोटरी क्लब के 5-6 क्लब मिलकर साथ में कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग, सभी सिटीजन्स ऑफ उल्लासनगर हमारा हाथ बटाए, सब मिलेंगे तो ये काम होगा। 10-15-50 लोगों से नहीं होगा, हजारों और लाखों मिलेंगे तो ये काम होगा। आप सबसे अपील है कि ये उल्लासनगर स्वच्छ और सुंदर रखे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मिशन है और ये अपना सबका मिशन होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान का मुहिम तो अभी गत 2 सालों से शुरू हुआ था। हमारे शहर में रोटरी क्लब जो है शुरू से ये कार्य करते आए हैं और उन्होंने बहुत सारी जो है शहर को योगदान दिया है। रोटरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और हम जहां आते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट 3142 में आते हैं और अब हमारा जो अस्तित्व है वो उल्लासनगर में है। पर उल्लासनगर में 5 क्लब्स हैं, रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर, उल्लासनगर ईस्ट, मिड टाउन, सपना गार्डन, विट्ठलवाड़ी। ये इस तरह आप कहिए कि इस दौरान ये हम 5 हैं, हम 5 रोटरी क्लब ने इस तरह मुट्ठी बांधी और पीछे जो आप हमारे देख रहे हैं ये यंग लॉट, ये हमारे रोटरी इन एक्शन जिन्हें हम रोट्रैक्टर्स कहते हैं, ये हम सब ने मिल के अपने प्रधानमंत्री का सपना साकार करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया है। आज रोटरी इंटरनेशनल के इतिहास में एक नया पन्ना दर्ज हुआ है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3142 का जन्म हुआ है 1 जुलाई को। उसी संदर्भ में हमारे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3142 के नए गवर्नर बने हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कोलवेकर, जो कि उल्लासनगर से हैं। उन्होंने हमें थ्रस्ट एरिया दिया है कि उल्लासनगर स्टेशंस को सुशोभीकरण करना है, उसमें कचरे की पेटियां देनी है और सफाई अभियान करना है, स्ट्रेचर लेने हैं, व्हीलचेयर लगाने हैं और ये जो मुहिम है हम पूरा साल भर कंटिन्यू रखने वाले हैं। इसकी शुरुआत आज हमने की है उल्लासनगर स्टेशन से, 5 क्लब ने मिलके यहाँ पे हमने डस्टबिन दिए हैं स्टेशन मास्टर के कहने पे, सजेशंस पे, और स्प्लिट बिन्स दिए हैं, आज तुलसी प्लांटेशन किए हैं और सफाई अभियान किया है, पूरे स्काई वॉक्स पे हमने वॉश करवाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव कैलाश यादव और बजरंग दल के नेता अश्विन जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से उल्लासनगर 3 स्थित आजाद नगर परिसर में मनाया गया। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार। आज
राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के उल्लासनगर के महासचिव और मेरे मित्र कैलाश यादव जी का जन्मदिवस था और पूरे उत्साह और आनंद के साथ में हमने यहाँ पर मनाया है और भगवान से यही प्रार्थना की है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। इसी तरीके से शहर की राजनीति में अपना काम करते रहे और आज़ाद नगर वासियों के लिए हर नागरिकों की सुरक्षा और बॉडीगार्ड बनकर मेरे आज़ाद नगर के लोगों की सुरक्षा करते रहे। इसी के साथ में हमारे बजरंग दल के नेता अश्विन का भी आज जन्मदिवस है, मैं पूरी आज़ाद नगर के तमाम लोगों की तरफ से उनको जन्मदिवस की, कैलाश और अश्विन को जन्मदिवस की ढेर सारी करोड़ करोड़ लाख लाख बधाई। या कार्यक्रमाला राष्ट्रवादीचे आणि इतर सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते कैलास आणि अश्विनला शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। मी सुद्धा उल्हासनगर शहर रिप्रेझेंट पक्षाच्या गवईगराच्या वतीनं त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि भगवंताकडे प्रार्थना करतो की आझाद नगरमध्ये जे तरुण कार्यकर्ते आहेत राष्ट्रवादीचे आहेत, अन्य जे लोक आहेत ते या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित झालेले आहेत आणि कैलास यादव यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये किंवा अश्विनी यांनीसुद्धा भरगच्च कार्यक्रम करावा, युवकांना साथमध्ये सर्वांना साथमध्ये घेऊन आपला आदर्श समाजासमोर या लोकांसमोर ठेवा एवढीच बोलून मी कैलास यादव अश्विनीला मी माझ्या परिवाराच्या वतीनं आणि रिप्रेझेंट पक्षा शहराच्या वतीनं त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय बुद्ध, जय भारत। उल्लासनगर 5 स्थित स्वामी शांति प्रकाश आश्रम में टेवराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आइए जानते हैं वासुदेव सचदेव जी से। सभी प्रेमियों के बुधाईदे ढी खुशी थे ती सिंधु के महान तपस्वी योगी सतगुरु स्वामी टेवराम महाराजन जो 130 जन्म स्वामी शांति प्रकाश उल्लासनगर 5 में 10 जुलाई आतवार सुबुह शाम जो स्वामी देव प्रकाश महाराजन के प्रधानपन हेठ मल्हायो वेंदो, जंहिंमें ॿिया बि संत महात्मा अची करे तव्हांखे सतगुरु महाराज जी महिमा ॿुधाईंदा। सतगुरु महाराजनि खंडूअ शहर में जनम वरितो हुयो, माता चेलाराम माता कृष्णा ऐं पिता चेलाराम जे घर में हू संत शेवी हुया। चवंदा आहिनि न संतनि जी शेवा करण सां सुखु मिलंदो आहे, फल मिलंदो आहे, संत आसीसा कंदा आहिनि, अन धन संतान जो वाधारो थिए। इहा ई शेवा अॻिते हली कामयाब थी जो स्वामी टेऊंराम महाराज बालक रूप में आया ऐं संत थिया। अॼु देश विदेश में 150 नंढा वॾा प्रेम प्रकाश आश्रम आहिनि जिन में इहो उत्सव वॾे धामधूम सां मल्हायो वेंदो। प्रेमियो तव्हां बि अची करे परिवार सां हिन में आसीस वठंदा, जीअं कंवरराम जा कोहर अगाम जी विया तहिड़ीअ तरह सतगुरु स्वामी टेऊंराम महाराजनि जो ढोढो ऐं चटणी जूअर जो ढोढा 5 ऐं चटणी तव्हां खणी ईंदा त तव्हांजो हर कार्य में सफलता मिलंदी। जंहिंजी बि कार्ज रुकियलु हुजे, कुंवारो हुजे, हुनजी शादी थींदी, अन धन जा भंडारा भरिजी वेंदा, घर में सुख शांति ऊणाई मंदाई दूरि थी वेंदियूं। छो जो संत भॻवान जो रूप आहिनि, उन्हनि खे झुकबो त उहे आशीर्वाद ई कंदा। इन जे करे प्रेमियो तव्हांखे नींड प्यार भरी ॾिजे थी। चवंदा आहिनि त संतनि वटि आसीसा जा भंडारा आहिनि, पर कोई अचे तन मन धन सां शेवा बि करे ऐं झुके। तव्हां बि अची करे पंहिंजे परिवार सां ईंदा ऐं परसादु खणी ईंदा, उहो परसादु तव्हांखे मिलंदो, वरी उहो तव्हां पंहिंजे परिवार में विराईंदा त उनजो तव्हांखे अक्षय पुंज मिलंदो। उल्लासनगर 5 स्थित स्वामी शांति प्रकाश वृद्ध आश्रम में टेवराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष में जनता जनार्दन परिषद द्वारा कई सेवा के कार्य किए गए, आइए देखते हैं। मैं प्रस्ताव मौजूद है उल्लासनगर 5 स्थित स्वामी शांति प्रकाश वृद्ध आश्रम में जिते जनता जनार्दन परिषद संस्था तरफा सेवा जा कार्य कया व्या। असा सगन मौजूद है डॉक्टर दयाल आशा, असा उनन का इन बारे में ज्ञान वठना चाहिना से। दादा जी तमाम सा को बताया था अजी केवा सेवा का कार्य आप तो ने कया। सतगुरु स्वामी टेऊंराम महाराज जो जनम जन्मदिन नई तारीख़ है, भाई सजो हफ्तों देश विदेश में उनो जन्म उत्सव मल्हायो पियो वञे। उन उपलक्ष्य में अॼु सुठा सॼी सेवा थी रही आहे ऐं हिन
पंज आरतवार ते वरी माताउनि जी सेवा कई वेंदी। सेवा करणु असांजो फर्ज़ु आहे। स्वामी टेऊंराम महाराज महान कवि हुया, जंहिंजी हिंदी सिंधी वाणी प्रेम का ग्रंथ में संग्रह थियलु आहे। उनखां सवाइ उहो जा दार्शनिक हुया, समाज सुधारक हुया, आध्यात्मिक मार्ग दर्शक हुया। हज़ारनि लोकनि खे सतनाम साखीअ जो मंदर ॾेई हिन भवसाग में वीर मां पार करायो। अहिड़ी महान विभूतीअ जे जनम उपलक्ष्य में अॼु कार्य थी रहियो आहे ऐं जेके अखियूं बरसाति लाइ आतियूं हुयूं अॼु वर्षा राणीअ सां वटाई आहे। घनघोर घटाऊं छायल आहिनि। वर्षा राणी आई आई हयाली की चादर जिसने पिछाई त असीं वरुण देवता जो वंदना कयूं था त इहा बरसाति वसंदी रहे ऐं प्यासी दिलियूं पंहिंजी प्यास बुझाए सघनि। उल्लासनगर एप्लीकेशन में आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, जान सकते हैं हमारे शहर की खबरें, होने वाले मेडिकल कैंप्स की जानकारियां और बिजनेस संबंधी जानकारियां भी बिजनेस डायरेक्टरी में। तो अभी ही प्ले स्टोर में जाइए, उल्लासनगर टाइप करें और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। अब आप पा सकते हैं शहर की खबरें सीधे मोबाइल फोन पर। अपना शहर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जनादेश, आज ही डाउनलोड कीजिए उल्लासनगर सिटी मोबाइल ऐप और पाइए अपना शहर अपने मोबाइल फोन पर। तो बस आज के लिए इतना ही। नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, आपकी आवाज है आपका ही आदेश। जनादेश, जनादेश, आपकी आवाज।